अस्सलामुअलैकुम। चौकर दामन पे पाइपिंग लगाएंगे, कमर की सिलाई मैंने लगा ली है। आपने एक टेडिंग तक फैब्रिक लेना है, उसको ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे रखना है। यहाँ से शर्ट अक्सर फट जाती है, तो इस मेथड के साथ यहाँ से सिलाई सेव रहेगी। पाइपिंग को मैंने फोल्ड करना है और एक इंच तक ऊपर की साइड रख के मैंने सिलाई लगानी है। आप पाइपिंग लगाते हो, आपने नीचे वाला जो फैब्रिक है उसको और पाइपिंग को बैलेंस में रखना है। ये ना हो आप नीचे वाले फैब्रिक को ज़्यादा खींचे तो उसमें चुंटे पड़ जाए। अब यहाँ तक हमने पाइपिंग को ला के मशीन को मोड़ना है। अगर आप पाइपिंग को फोल्ड करना चाहते हैं तो पहले ऐसे फोल्ड कर लें, तब इस तरह से आप कॉर्नर फोल्ड करें। अगर आप इसको ऐसे ही रखना चाहते हैं, चौड़ी पाइपिंग ज़्यादा खूबसूरत लगती है, तो आपने कॉर्नर को इस मेथड के साथ फोल्ड करना है जैसे मैं कर रही हूँ। अब यहाँ पे आपने देख लेना है दामन कितना रखना है। मैं 24 इंच रखूँगी तो 24 इंच तक मैंने निशान लगा लिया है। अब इस तरह से फैब्रिक काढ़ा होता है तो नीचे वाला फैब्रिक आपने ज़्यादा खींचना नहीं है। अब ये जो 24 इंच तक मैंने निशान लगाया था, यहाँ तक हमने ला के छोड़ना है। वापस कॉर्नर हमने वैसे ही फोल्ड करना है जैसे पहले हमने किया है। तो ऐसे ही मैं दूसरी साइड पे भी पाइपिंग लगा लूंगी। दोनों साइड पे पाइपिंग लगाने के बाद इसको मैंने प्रेस कर लिया है। कॉर्नर आपने यहाँ से ऐसे ही फोल्ड करना है। उसके बाद आप चाहें तो मशीन के साथ सिलाई लगा लें या हाथ की मदद से तुरपाई कर लें। इस मेथड के साथ कॉर्नर बहुत सफाई के साथ फोल्ड होगा और पाइपिंग सफाई के साथ आएगी। तो इंशाल्लाह ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आपने वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।